अमेरिका के टेनेसी में एक घर के अंदर कारपेट के नीचे सालों से यूसुफ दफन था। एक दिन जब एक शख्स ने उसे खोला तो कई कीमती पुरानी चीजें और महत्वपूर्ण सामान बाहर निकले। रिडिट पर एविल इंग्लिश नाम से मौजूद यूजर ने कहानी को शेयर करते हुए लिखा कि सालों बाद वो अपने ग्रैंडफादर के फार्म हाउस पर गया था, जो कि टेनेसी के रूरल एरिया में है। उसने बताया कि काफी समय से बंद रहने के कारण घर की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसने घर की साफ सफाई करनी शुरू कर दी, तभी उसकी नजर एक गंदे कालीन पर पड़ी। उसने सफाई करने के लिए जैसे ही कालीन को उठाया, उसे एक ब्लॉक दिखाई दिया जो कि ईंट पत्थर से बना हुआ था। पहले तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या था और उसे क्यों बनाया गया था, लेकिन उसने जैसे ही उस कैप को हटाया, उसे एक कॉम्बिनेशन वाला सीक्रेट सेफ दिखा। एविल इंग्लिश ने बताया कि उसने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लॉक को खोलने में कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद उसने कई ताला खोलने वालों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे खोल नहीं पाया। उसने बताया कि करीब 7 से 8 दिन बीत गए, लेकिन वे सिर्फ नहीं खुल सका। फिर एक दिन उसने टीम नाम के एक लॉकस्मिथ को बुलाया और करीब आधे घंटे के मेहनत के बाद उसने उस सिर्फ को खोल दिया। जैसे ही लॉक खुला, उसमें से कुछ धुंधली चीजें दिखाई दे रही थी, हालांकि ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो चीजें क्या है। इसके बाद एविल इंग्लिश ने एक एक सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। पहले उसमें से कुछ सिक्के और महत्वपूर्ण पेपर निकले, फिर एक के बाद एक और कई सामान निकले। हालांकि कई सामान पानी के कारण खराब हो चुके थे तो कुछ सुरक्षित बच्चे थे। एविल इंग्लिश ने बताया कि कागज वाले जितने सामान थे लगभग सभी खराब हो चुके थे, लेकिन पुराने जमाने के सिक्के, जेवरात, चांदी की प्लेट और कई सिक्के सुरक्षित बच्चे थे।